हेलो नमस्ते सस्रकाल अदा मेरी तरफ से सबको एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एक नए व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोपहर के एक बजे आपका भाई रेडी शेडी होके पहले तो गाड़ी का काम करवा के आया, जो फ्लोरिंग मैटिंग करवानी थी, फिर बाइक की बैटरी लेके आया, जो ये पड़ी है देखो अपना बाइक अब रेडी हो रहा है किस चीज के लिए, वो आगे वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। अभी रिवील नहीं करना कि पहले ही रौला पाई जाए, बाद कम हो गए ना, ठीक है जी, एवं नहीं होना चाहिए। हूँ आप फिलहाल मैं फिर से 8 सेक्टर से गुजर रहा था, अभी आज मेरे को और भी बहुत सारे काम है वो भी निपटाने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा 8 सेक्टर का जो पार्ट रह गया है वो भी समाप्त कर लिया जाए, ठीक है जी। तो ये है जी 8 सेक्टर व्लॉग बनाते हैं आज 8 सेक्टर का। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने पिछले व्लॉग में भी 8 सेक्टर दिखाया था, इस व्लॉग में भी हम 8 सेक्टर पहुंच चुके हैं। एक पोर्शन रह गया था, मैं क्या वो क्यों छोड़ना, देखो हमने किसी के साथ वो तो करनी ना इंसाफी, ठीक है जी सब कुछ दिखाएंगे। ओहो शीशा इधर वाला कैसे गंदा हो गया, कल मैंने गाड़ी धोई थी छिटे लगे। गुरुद्वारा साहब आ गया जी, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। 8 सेक्टर का फेमस गुरुद्वारा और साथ में टेंपल, जय श्री राम। देखो 8 सेक्टर की शुरुआत हो चुकी है कुछ ऐसे घरों के साथ। शीशा मेरे को रोक के पहले साफ करना पड़ेगा, अपने पास सामान है, डोंट वरी करता हूँ मैं साफ, ऐसे बात नहीं बनेगी। वहां रोकता हूँ गाड़ी साइड में, फिर करता हूँ। देखो कोठियां सेक्टर 8 दिया, हीरे अर्गियां कोठियां, देखो बंगले बड़े बड़े, क्या बात है जी क्या बात है, बन भी रहे हैं। वहां साइड पे गाड़ी रोक के ना पहले शीशा साफ करता हूँ मैं, ऐसे बात ना बनेगी ब्रो। ये देखो अपने को ये सारा असला पिया, फिर आप क्यों घबराइए, घबरावे तो जी देखो सामान है नहीं, जैसे आप उस दिन घबराई थी, पहले गाड़ी साफ कर लूं मैं। अब बन गई बात, बन गई जी, बन गई बन गई। डोमिनोज वाला बाइक भी ऐसे लग रहा अपने बिना शीशे के खड़ा। चलो 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 कंटिन्यू द जर्नी, लेट्स गो। सेक्टर 8 की मार्केट गई रूट वाली, सामने वाला भी साफ हो गया, साथ ही रखना अब पानी पूनी, आप कभी जरूरत पड़े ठाठा ठाठा कराती, ठीक है जी। ये देखो कोठी छुपी जंगलों में, पहले वहां सीधा तक जाता हूँ फिर इसके अंदर गेड़ी मारेंगे। ऑलराइट बहुत बढ़िया आइडिया मेरे वीर। ये देखो क्या बात जी क्या बात, शीशा साफ करते ही तहलका मच गया, बम्ब बम्ब बम्ब, क्या बात है जी क्या बात है। ये देखो छोटा गियर रखा हुआ मैंने, खैर है मेन रोड है, जब तक पीछे से कोई तेज नहीं आता तब तक आप स्लो ही चलेंगे, नहीं तो अगले को रास्ता दे देंगे। देखो इधर तो है फ्लैट्स, ये तो कल आप देखे थे, कंसंट्रेशन अपनी कोठियों पे है। वाह डिजाइन देखो एक से एक, 8 सेक्टर चंडीगढ़, 8 सी है शायद ये, वाह ब्यूटीफुल ब्रिलियंट, जितने शब्द हैं सारे लगा दो, इतने ही हैं फिलहाल तो जो सूझ रहे हैं। देखो अभी थोड़ी सी धूप पड़ती है तो शीशा ऐसा हो रहा है, ये देखो वाह 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 वाह, छोटा है साइज लेकिन सुंदर बहुत बने हुए, स्लीक डिजाइन्स और प्यारे प्यारे, महंगे बहुत हैं ये भी, साइज में भी छोटा हो लेकिन लोगों ने रीच पूरी ला रखी है। देखो वाह क्या बात, ये देखना वाइट वाइट सा, और वो वाला कॉर्नर हाउस वो तो बहुत ही कैंट है। मरिए यूटर्न जरूरी है, आगे तो 7 सेक्टर आ गया। देखो मेन रोड कितने सोने सोने फूल खिले हुए हैं, देखो पिंक पिंक कलर के, लाल पिंक, अपने आप नेचुरली खूबसूरत चंडीगढ़ की यही है खूबसूरती। फिर देखो घरों के बाहर किसी ने लगाया थोड़ी है ये पौधा, पता भी नहीं होगा किसको क्या नाम है इसका। चलो यहाँ से अंदर चले, अब हमारी ये गेड़ी अंदर की, देखें क्या है आज मेन्यू में। देखो पहले राइट वाली साइड चलते हैं, है ना जी, फिर पूरा घूम के उधर से इधर आ जाएंगे। सामने DAV स्कूल आ गया, 137 ईयर्स ओल्ड, स्थापना 67 वर्ष, चंडीगढ़ में इतना टाइम हो गया। देखो बहुत बड़ा स्कूल है, पर फिलहाल वो आपको सेक्टर वाले व्लॉग में दिखाया था, अपनी कंसंट्रेशन ओनली ऑन घर। देखो सुंदर सुंदर स्लीक स्लीक हाउसेस ये आपको देखने को मिल रहे हैं ये 8 सेक्टर में। एतवार का दिन है, लोग अंदर बैठे हैं अपने अपने घरों में, जैसे जैसे सर्दियां आएंगी लोग बाहर निकलते जाएंगे, पर बहुत सुंदर हैं यार जैसे मैं डिजाइन देख पा रहा हूँ ना, छोटे में भी ऑप्शन। ये देखो वाह क्या बात जी क्या बात, गेट देखो कितना तकड़ा है, पैसा लाया दिखता है, ऐसा नहीं है कि बस काम चलाओ सौदा ना, अगर जमीन महंगी है तो पैसा भी उतना ही लगा हुआ है।
समझ रहे हो, लैंड की कीमत तो है ही है लेकिन जो ऊपर पैसा लगा है वो भी दिखता है। इधर तो फ्लैट्स हैं, इधर ही देखते हैं आप। राइट साइड पे कंसंट्रेशन, वाओ ये देखना चारकोल कलर, गेट भी कितना सही है, और ये देखो ये कितना शानदार घर है, माइंड ब्लोइंग। ये भी कलर मेरे को बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे हैं यार, ये देखना कितना यार पेंट कितना तगड़ा हो रखा है इस घर पे। और ये वाला देखो घर का कलर, उसका वैसे बहुत सही पेंट हो रखा था। देखो ये वाला डिजाइन, ये लेटेस्ट है मेरे को लग रहा है, पर यहाँ तो काफी घर हैं ऐसे, यहाँ के लिए लेटेस्ट नहीं होगा। ये देखो वाओ ब्रिक हाउस, ये भी एक डिजाइन चलता है। व्हाइट हाउस, गुरुद्वारा साहब आ गया जी, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा पातशाही दसवीं, पिंड का नाम भी लिखा है, उस टाइम पिंड होता था ये। देखो कितना प्यारा गुरुद्वारा साहब है, वाह 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 वाह। कोठियां इधर भी बड़ी तगड़ी हैं, नाइस। जो रह गया घर वो रह गया, कली कली गली में कैसे घूमू मैं, ज्यादा लंबा हो जाता फिर काम धाम। जो मेरे को मेन मेन दिख रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बन रहा है खाली पड़ा है, ये बन गया है। देखो करता ना कट्ठा काम शुरू, खड़ा करता कुछ बड़ा ही, लोग छोटे में भी बड़े वाला डिजाइन कर लेते हैं खड़ा, तो इसलिए एरिया की टेंशन नहीं है, आप ही बना सकते हो ये। यहाँ अगर आप सोचो कि बड़े बड़ी जगह भी अच्छा लगेगा ना, छोटे में भी बन सकता है, लैंड कम हो कोई चक्कर नहीं, तसल्लियाँ उतनी भी पूरी हो सकती हैं। ये मैंने देख लिया घूम घूम के चीज। अब कुछ घर इधर हैं, देखो इधर आठ की मार्केट है मेन मध्य मार्ग वाली, कुछ घर इधर से दिख रहे हैं। देखो ये घर कितना तगड़ा बना है, शाही कम है, चारकोल कलर, चारकोल कलर के बड़े घर दिख रहे हैं मेरे को, बड़े सही लगते हैं देखने में भी और वैसे भी। यहाँ से शायद दोनों साइड दिख जाए। ये देखो यार हैरानी की बात तो मेरे को ये दिखती है हर बार कि कोई किसी के साथ मिलता जुलता ही नहीं है घर, कोई नहीं मिलता। इतने डिजाइन में कहाँ से लाए हैं लोग, इतने डिजाइन में तो समझ नहीं पा रहा। कितनी बड़ी बड़ी मतलब कोठियां हैं और कितने कितने अलग अलग डिजाइन है, कितने यूनिकनेस है चीजों में। इधर मुड़ के आता हूँ राइट वाला दिखाने के लिए, ऐसे बात नहीं बनती, काम कच्चा नहीं छड़ता थोड़ा भरा। इधर तो फ्लैट्स हैं और देखते हैं एक बारी मुड़ के ये वाली साइड। देखो इतनी ग्रीनरी, मैं फैन हूँ लोगों का यार जो इतनी मतलब पेड़ पौधे उगाते हैं ना, मतलब इतना प्योर ऑक्सीजन यहाँ कहना पड़ता है लोगों को, यहाँ अपने आप ही लोग करते हैं ये चीज, खुद ही सियाने हैं, इनको बोलने की जरूरत नहीं है कि पेड़ उगाओ ये होगा, उन्होंने अपने अपने घरों में ही उगा रखे थे, तभी तो सिटी इतना ग्रीन है। ये थोड़ी सरकार ने ग्रीन बना के दिया था तो उसके बाद से ऐसा ना, लोगों ने उसके बाद भी एफर्ट्स की है उसको हरा भरा रखने के लिए, मेंटेन्ड है यार, मेन बात ये है कि ग्रीन रखा हुआ है, लोग मेहनत करते हैं एफर्ट्स करते हैं फिर जाके होती चीजें, नहीं तो बर्बाद करने में तो कुछ साल ही लगते हैं जो पेड़ लगे हुए काट कूट के साइड पे करें, होता ही है। और खुद के लिए करते लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखो ये घर भी सही है, बड़ा तगड़ा घर है भी, वो सामने वाला बहुत ही खूबसूरत है यार, उसको कहाँ से देखें, उसकी विजिबिलिटी कहाँ से आएगी ब्रो, इधर से ही आएगी वैसे तो, वहाँ से यू टर्न मार के आएगी। बड़ा सही घर है, ये दिखाता हूँ आपको, तब तक ये देख लो। आठ सेक्टर के बड़े बड़े बंगले। एक और गली में आ गया हूँ मैं, इस गली के घर भी देख लो आप, वापस चलता हूँ उस घरों में पीछे एक दो जो रह गए हैं, लेकिन पहले ये भी देख लो, इनमें से कोई अट्रैक्टिव लग रहा है आपको, ये बहुत सही है, ये भी। सड़कें कितनी साफ सुथरी हैं यार, जैसे कोई सुबह पोछा मार के गया हो,
गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये देखो इतना तगड़ा घर है ये, वाव। ये देखो राइट साइड वाले इस गली के, इसमें से अभी अपन ने लेफ्ट वाले देखे, ये वाला देखो कितना शानदार घर है, वाह 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 वाह, क्या बात। ये देखो सेक्टर काफी बड़ा है, ये काफी घर हैं इस एरिया में, 8 सेक्टर में यार बहुत घर है वैसे, अगर पूरा मैं आइडिया लगा के चलूँ तो बहुत बड़ा है सेक्टर 8, तो घर भी बड़े शानदार हैं, मतलब मार्केट भी है बाकी सेक्टरों के मुकाबले, यहाँ घर मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं। ये देखो ये कितना सही डिज़ाइन है, वाह वाह वाह। ये भी खुशी सी होती रहती है घर देख के ना लोगों के, क्या बात है, चलो अच्छी बात है, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, बड़ी ज़रूरत है इस दुनिया में, नेगेटिव वाइब्स बहुत हो चुकी हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, मन में लालसा नहीं रखोगे, अपनी मेहनत से कमाने की इच्छा रखोगे और जितना किसी का हो सके करोगे तो अच्छा फील होगा, अदरवाइज मोम आया इनका तो कोई एंड ही नहीं है, जितनी मर्जी करते रहो, त्यागना ज़रूरी है अगर लाइफ में पीस चाहिए तो, अदरवाइज तो फिर यही है कि बस ये भी मेरे को मिल जाए वो भी मेरे को मिल जाए, और जबकि यहीं रह जाना है सब कुछ एक दिन। बंदर बड़े हैं इस सेक्टर में यार, देखना कैसे घूम रहे, पता नहीं कहाँ से आए हैं, मज़े ले रहे हैं अभी, आनंदमय जीवन, इनको कोई टेंशन नहीं, कोई लालच नहीं, जहाँ बैठा दिल किया, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई ये नहीं कोई वो नहीं, ठीक है सब अपना, मंदिर कहते हैं सब अपना ही है, थे इस मर्जी में कूदो फिरो नज़ारे लो, सही है। ये देखो बंगला, छत भी देखो लोगों ने ग्रीन ग्रीन वो बना रखे हैं, पैनल्स लगा रखे बैठने के लिए। ये देखो कितना इसमें डिजाइनिंग हुई है ना पत्थर की, बहुत सोना। मेन रोड के घर घरों की भी झलक ले लो, जो बिल्कुल स्कूल के सामने है, डीएवी स्कूल के, वाह। ये तो मैंने बहुत डिजाइन देख लिया, चारकोल वाला कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है ये, वेरी नाइस, डिफरेंट है। ये लास्ट पोर्शन है जी इस सेक्टर का, देखो फ्लैट्स की झलक लेने जाते हैं कोई है बंदा तो भी देख लो, कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं, बिल्कुल सामने कोठियां हैं, फ्लैट्स अपनी जगह बाकमाल हैं और कोठियां अपनी जगह खूब हैं, ठीक है। वो देखो ये है जी पहाड़ी स्टाइल घर, हट वाला, देखो सड़क के उस पार भी ग्रीन ग्रीन हाउसेस, सेक्टर 8 ऑफ चंडीगढ़ था ये, बहुत खूब। कुछ सड़क के इधर वाले घर जापा जाते जाते देख जाने, हैव अ लुक हैव अ ग्लांस हैव अ ग्लिम्स, इधर वाले ये भी देखने वाले हैं सच, वो राइट वाले तो लेफ्ट वाले तो देख लिए जाते जब स्टार्टिंग में, ये वाले देख लो ये भी बहुत बड़े बड़े हैं, देखो कांच का घर शीशे का, बढ़िया बढ़िया घर आपको देखने को मिल रहे हैं चंडीगढ़ में फिलहाल, सेक्टर 8 का ये सीन है। ये देखो क्या बात है, ये वाला घर कितना सही है ना, क्यूट सा। ये देखो सारा सेक्टर 8 गेड़ी रूट वाले घर हैं, ये बैक साइड बन रहा है वो देखो। चलो